मेरे को नहीं पता था कि इसका फर्स्ट है, लेकिन मैंने इसको कंफर्टेबल कराने की कोशिश की और तो मुझे ऐसा लगा था कि इसमें एटीट्यूड होगा, थोड़ा रूड है ये दिखने में। बता दूं मैं सच? बता दे। I mean, we fight a lot, हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। Like, गलती किसी की भी हो, माफी कौन मांगता है? लड़का। इसको तू बोलती रहती तो मैं आप बोल। सब हंस रहे हैं, मैं हंसा हूँ तो बोलेगी हंसेगा नहीं। Hi, this is Shehzada Singh Dhami. Hi, this is Pratiksha Honmukhe. And you people watching us on Mayapuri. तुम शहजादा एंड प्रतीक्षा ऑन मायापुरी, सो लेट्स सी आपकी बॉन्डिंग किस तरह से ऑफ स्क्रीन। ऑन स्क्रीन तो ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है, बट लेट्स सी अब ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है। सो पहला फर्स्ट मीट कैसा रहा आपका एक दूसरे के साथ? हाँ, तो फर्स्ट मीट हमारा जो था, हम मॉक शूट पे मिले थे। मुझे नहीं पता था कि कोई मॉक शूट के लिए लड़कियाँ आ रही हैं। दो, ये और समृद्धि, दोनों आई थी, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल लड़कियाँ थी। उसके पहले मैं मॉक शूट कर चुका था कई लड़कियों के साथ करके। मैं थका हुआ था, बहुत ज़्यादा टायर्ड था। मैं चला गया था मॉक शूट करके, मेरे को वापस बुलाया गया था। मैं वापस आया था कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे मैं वापस आया। 1-1:30 बजे तक हमारा मॉक शूट चला था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन जब ये आई तो मेरे लिए सबसे पहले ये होता है कि मेरा जो को एक्टर हो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत कम्फर्टेबल होना चाहिए। तो आई वॉज़ ट्राइंग टू मेक हर कम्फर्टेबल। तो शी वॉज़ न्यू। मेरे को नहीं पता था कि इसका फर्स्ट है, लेकिन मैंने इसको कंफर्टेबल कराने की कोशिश की और ये भी हुई बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे को अच्छा लगा कि सामने से भी कोई इंसान है जो है ना पूरा कंफर्ट जोन लेने के लिए रेडी है। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसके बाद तो फिर हम यहाँ हैं। आपका फर्स्ट मीट एंड इम्प्रेशन अबाउट हिम? सेम, हम लोग मॉक शूट पे मिले थे एंड आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई वॉज वेरी नर्वस। बट देन ही मेड श्योर, यू नो, ही केम एंड ही वाज लाइक कि आपका पहला शूट है या फिर व्हाटएवर ही सेड। देन आई वाज लाइक या। देन हम लोगों ने सीन किया, फिर ही मेड श्योर दैट, यू नो, मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। एंड ही इज़ वेरी वेरी नाइस एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन। सो या, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। ऐसे इम्प्रेशन वाइज का कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन लगा एक दूसरे को लेकर? देयर इज नथिंग नेगेटिव इन हिम, बट द फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज, यू नो, मुझे ऐसा लगा था कि इसमें एटीट्यूड होगा थोड़ा बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी या शक्ल। थोड़ा रूड है ये दिखने में। सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगा था, बट ही इज नॉट। आपको ऐसा कुछ लगा था इनको देख के? बता दूं मैं सच? बता दे। नहीं, मुझे नहीं लगा था, मैंने इतना गौर ही नहीं किया था। फर्स्टली मैं जब मिला था, मेरा झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं जितना थका हुआ था ना, जितना मैं टायर्ड था उस वक्त, ये मेरे माइंडसेट ये था कि ख़त्म करो, घर चलो, मेरे को सोना है, मेरे को घर पहुंचना है। ना मेरे पास ड्राइवर था, मेरे को खुद गाड़ी ड्राइव करके जाना था। तो अच्छा था, अच्छी दोनों लड़कियां अच्छी आई। ये आई, समृद्धि आई, दोनों अच्छी थी। ओके, अपने ऑफ स्क्रीन बॉन्ड को अगर कुछ एक वर्ड से डिस्क्राइब करना होगा तो वो क्या होगा? क्या करोगे? दोनों को पूछा मैंने। फर्स्ट आंसर फैवी बॉन्ड, फैवी कॉल का जोड़। ये टूटे से ना टूटेगा, छूटे से ना छूटेगा। क्यों? I think we really have a beautiful bond. It's a very beautiful bond which we share. I mean, we fight a lot. हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। Like दिन में 2-3 बार हम लड़ते ही हैं, लड़ते भी हैं, हंसते भी हैं, मुँह भी बन जाते हैं एक दूसरे को देख के। फिर मुँह बना भी रहता है, बात भी नहीं करते, फिर मुँह बना रहेगा। एट द एंड फिर ये आके माफी मांग लेते हैं। ठीक है, इट्स ओके। झूठ बोल रहा है। नहीं, क्या गलती किसी की भी हो, माफी कौन मांगता है? लड़का। मैं मांगता हूँ नहीं, पर हम लोग एट द एंड सुलझा लेते हैं। वो यही होता है कि आप जब आपके बॉन्ड अच्छा होना, आपका रिश्ता अच्छा होना, तो सभी लड़ाइयों के बाद एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता, सही हो जाता। तो वैसा है। तकिया कलाम क्या है एक दूसरे का? तकिया कलाम जो वर्ड यूज करते हो? हाँ, तकिया मोस्ट कॉमन वर्ड। अच्छा, कॉमन एक दूसरे के बारे में बताना। इसका तो एक ही है। फिर इसको तू बोलती रहती तो मैं आप बोल। मुझे हर एक टाइम तो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नॉर्थ में थोड़ा ऐसा कि हम तुम और आप को हम रिस्पेक्टफुल समझते हैं और तू को हम डिसरिस्पेक्टफुल। जैसे ही बोलेगी तू तो मेरा ऐसे हो जाता है एक्सप्रेशन आप हाँ आप, तो मुझे करेक्ट करना पड़ता है आप, ठीक है आप ऐसा। और मेरा क्या तकिया कलाम नहीं, कुछ मैंने ऐसा कुछ है नहीं, सब कुछ ही बोलती है, सब कुछ बोलती है, आंखों से ऐसे कर देगी। मान लो किसी ने जोक मारा इसके खिलाफ, सब हंस रहे हैं, मैं हंसा हूं तो बोलेगी हंसेगा नहीं तो मैं कहूँगा अभी जोक इतना खतरनाक है भाई हंसना पड़ेगा। तो मतलब बहुत स्वीट बॉन्ड है हमारा, बहुत अच्छा बॉन्ड है। गुड क्वालिटी या कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगती है? मुझे प्रतीक्षा की एक बात अच्छी लगती है, ये हमेशा स्माइल करती रहती है, हमेशा। इसका मुंह तब बनता है जब मैं कुछ सुना देता हूँ इसको, तब इसका मुंह बनता है, तब मुंह नहीं बनता सीधा रोती है तो मुझे चुप कराना पड़ता है। मतलब ये सबसे अच्छी क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए कि कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम, है ना, कोई भी चीज़। और दूसरी बात ये है इसमें क्वालिटी की, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत सीखने को रेडी है। लाइक इट्स हर फर्स्ट शो, तो मैंने कहीं ना कहीं 2-3 शो 4 शो किए हुए हैं और समृद्धि ने भी 1 शो किया हुआ है। तो अगर हम कुछ सिखाते भी हैं तो बहुत प्यार से सीखती है और वो करती भी है पूरा गौर करके, विच इज़ गुड थिंग। हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए। अबाउट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आई मीन इसे पता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कैसे यू नो उसमें डिस्टिंग्विश करते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। आई मीन उसकी पर्सनैलिटी को देख के ऐसा लगता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों से, बट ही इज़ लाइक अ कोकोनट, ही इज़ वेरी सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। उसका दिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इज़ वेरी केयरिंग। थैंक यू। और इसका आज बर्थडे भी है गाइस, हैप्पी बर्थडे शहजादा। थैंक यू। पार्टी बाकी है तेरी, दिन में 15 बार बोल चुकी है आगे। मैंने उसको बोला था कि मैं तुझे आज पूरे दिन विश करूंगी, कान के पास आके हैप्पी बर्थडे गुजर रही है, हैप्पी बर्थडे। कि उसे ऐसा फील होना चाहिए कि उसका बर्थडे, ही शुड फील स्पेशल। यार उसका दिन है आज, जरा पर ले वो कर। चलो ग्रेट। वेल लास्टली व्हाट डू यू से टू योर फैंस? हमारे फैंस के लिए हम यही कहेंगे कि देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड थैंक यू सो मच रूही और अरमान को इतना सारा प्यार देने के लिए। I mean, हमने जितने भी सीन साथ में किए, मैंने और रूही ने, मुझे ऐसा लगता है कि सब बेस्ट थे, सब अच्छे थे। मुझे एक भी सीन में मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि खुद को हो यार नहीं ये मेरा सीन अच्छा नहीं हुआ। मेरे सारे सीन अच्छे हुए, हमारे सारे सीन अच्छे हुए और ऑडियंस ने भी प्यार दिया, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है उसको, तो आगे भी प्यार देते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। ग्रेट। बट जस्ट याद आया गाने से, आप गाना गा रहे थे, जस्ट लास्टली एक दूसरे को अगर कोई गाना डेडिकेट करना होगा तो वो कौन सा होगा? मैं तो बहुत गंदा गाना सुना, पहले तो ही सुना भाग जाएंगे जितना लोग शो देख रहे छोड़ के। हाँ लाइन बता दे खाली। प्रतीक्षा के लिए गाना कौन सा गाना गाऊँ यार तुम्हारे लिए? ऐसे हंस मत, मेरे को अच्छा गाना नहीं है। अगर ऐसे हंसेगी मेरे सामने थोड़ी क्यूट स्माइल तो अच्छा गाना है। अभी तो वो तो जो मैं गा रहा था वो तो अलग ही गाना, वो तो मैं अपने लिए गा रहा था। तुम्हारे लिए कौन सा गाना, तुम्हें कौन सा गाना पसंद है? मेरा सारे गाने अच्छा है। जो स्पेशली तू कहती है ये गाना बोले तो तुझे लिरिक्स नहीं आता होगा। लिरिक्स नहीं आते। वो है तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन। ये मैंने गाना गाया तेरे लिए था तो तेरे लिए था, तेरे लिए ही था। देखा देखा ऐसे चिढ़ाता रहता है मुझे दिन भर, तो गुस्सा ही आएगा ना फिर सॉरी बोल देगा लास्ट में।